संसद की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चारों आरोपी संसद तक 7 कलर स्मोक लेकर पहुंचे थे, जिसमें से एक कैन लेकर एक आरोपी लोकसभा में पहुंच गया था। आरोपियों ने 3 प्लान तैयार किए थे। आरोपियों ने संसद में विरोध से पहले इंटरनेट पर संसद की सुरक्षा से जुड़े पुराने वीडियो भी देखे थे। आरोपी ललित ने ही संसद के अंदर विरोध कर बड़ा संदेश देने का प्लान तैयार किया था। अब तक की पूछताछ में ललित झा खुद को पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बता रहा है। तो बताते हैं, इस पूरी घटना के दौरान आरोपी ललित संसद परिसर में ही मौजूद था। हालांकि बाद में वो पकड़े जाने के डर से फरार हो गया था। 2 दिन तक वो पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन गुरुवार देर रात उसने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने ये कबूल कर लिया कि उसके इशारे पर ही संसद में स्मोक कलर अटैक की साजिश रची गई थी। 3 दिन पहले 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई थी। एक ही वक्त पर संसद के अंदर और बाहर ललित के साथियों ने बवाल कर दिया था। घटना के वक्त संसद के अंदर लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। तभी विजिटर गैलरी यानी दर्शक दीर्घा से आरोपी सागर और मनोरंजन नीचे कूद गए और वहां हंगामा करने लगे थे। पकड़े जाने से पहले उन्होंने जूते में छिपाकर रखा कलर स्प्रे निकाला और उसे हवा में उड़ा दिया। ठीक उसी समय संसद के बाहर भी ललित के 2 साथी नीलम और अमोल को हंगामा करने के आरोप में पकड़ लिया गया। लेकिन इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा ललित फरार था। 2 दिनों तक पुलिस उसकी तलाश में हरियाणा और राजस्थान की कई जगहों पर छापेमारी करती रही। लेकिन पुलिस तब हैरान रह गई जब गुरुवार देर रात ललित ने थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो महेश नाम के अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फौरन पुलिस की एक टीम ने उससे पूछताछ भी शुरू कर दी। दावा है कि पूछताछ में ललित ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने से लेकर वहां से फरार होने तक का हर राज उगल दिया। क्योंकि संसद के अंदर और बाहर हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुट गई थी। सूत्रों का दावा है कि संसद के बाहर स्मोक कलर अटैक का वीडियो बनाने के बाद आरोपी ललित फरार हो गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ललित ने बताया कि 13 दिसंबर की रात करीब 10 बजे वो दिल्ली से बस लेकर राजस्थान के नागौर पहुंचा। वहां वो अपने दोस्त महेश से मिला। सूत्र बताते हैं कि पुलिस से बचने के लिए ललित महेश के घर नहीं रुका, बल्कि उसने एक होटल में रात बिताई थी। दावा है कि महेश ने ही वहां के एक होटल में ललित के रुकने का इंतजाम करवाया था। सूत्रों के मुताबिक ललित राजस्थान से ही लगातार सारी चीजों पर नजर रख रहा था, लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं, तो वो महेश के साथ दिल्ली आ गया और फिर बाद में उसने खुद थाने जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी बह सरजू पावनी, अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल, इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।